हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है झीलें या विश्वी की झीलें या फिर लेक्स, ठीक है। ये भूगोल का 10वां पार्ट है फ्रेंड्स, याद रखना क्लास 10 नंबर की है। इसके पहले ऑलरेडी 11 क्लासेस हो चुकी हैं भूगोल की, जिसमें हमने भौतिक भूगोल को कम्प्लीट किया है, ठीक है। ये झीलें हैं, विश्व की झीलें फ्रेंड्स। इसके पहले 9 पार्ट्स जाकर देखिए, अगर नहीं देखे हो तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे संबंधित PDF फाइल या फिर इनकी पिक्चर्स सारी ही सारी वो हम फेसबुक पेज पर अपलोड करते थे, तो वहां पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो शुरू करते हैं विश्व की झीलें। झीलें क्या होती है, झीलों की परिभाषा देखते हैं कितने प्रकार की होती है, फिर विश्व की झीलों को एक तरीके से पूरी को देखेंगे, कुछ इसके एग्जाम पॉइंट देखेंगे जो परीक्षा में आते हैं अक्सर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि झीलें क्या होती हैं। तो झील का जैसे कि आप चित्र देख रहे हो, इस प्रकार की झीलें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे मैं इसमें बताने वाला हूँ। एक चित्र तो आप इधर देख सकते हो जो झील का, ठीक है, याद रखना। अब झीलों की अगर परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा क्या होनी चाहिए झीलों की। पृथ्वी के धरातल पर भूमि के चारों ओर जो एक अवतल क्षेत्र होता है, पृथ्वी के भूमि के जो चारों ओर वो अवतल क्षेत्र में जल की एक चादर बन जाती है, या जल की एक खाई टाइप की बन जाती है, तो उसको झील कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और ऐसा भी नहीं होता कि झील स्वच्छ पानी की या ताजे पानी की है, ठीक है। कुछ सागरों से भी जो अलग झीलें रहती हैं, ठीक है, वो कुछ खारे पानी की भी रहती हैं, तो अलग अलग प्रकार के हम देखेंगे। लेकिन झील की अगर परिभाषा की बात करी जाए, तो पृथ्वी के धरातल पर भूमि के चारों ओर एक अवतल में जल की एक चादर को झील कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। झीलों का क्लासिफिकेशन देखें, अगर वर्गीकरण देखें, तो इसकी उत्पत्ति के आधार पर हम झीलों को 6 प्रकार से बांटते हैं। अपरदन झीलें, निक्षेपण झीलें, विवर्तनिक झीलें, ज्वालामुखी झीलें, भूस्खलन झीलें, या फिर कृत्रिम या आर्टिफिशियल झीलें। 6 प्रकार की झीलें हैं, याद रखना। 6 प्रकार की झीलों को हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी झील, अब इनमें से आप कहेंगे कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कभी झीलों में पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे आएगा, एडवांस क्वेश्चंस कैसे आएगा, अगर टफ क्वेश्चंस बनेगा, कि कौन सी झील ज्वालामुखी झील का उदाहरण है, कौन सी झील निक्षेपण झील का उदाहरण है, या फिर कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण और एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपरदन झील से, ठीक है। अपरदन झील से स्टार्ट करते हैं, इरोजनल लेक्स से, ठीक है, कि अपरदन झील कौन कौन सी होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है। तो याद रखना, जो अपरदन झीलें होती हैं उनको भी हम 4 या 5 भागों में बांटेंगे। तो पहले नंबर पे आता है हिमनद यानी कि ग्लेशियर झील, ठीक है, याद रखना। हिमानी अपरदन का एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। हिमानियों और हिम चादरों की अपरदनकारी प्रक्रिया से हिम गहर, क्या सर्ग जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जब आप पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृति पढ़ेंगे तो उसमें सर्ग पढ़ेंगे, हिम जगहर पढ़ेंगे, जे क्या एक भाग होता है, एक क्षेत्र होता है पृथ्वी का, ठीक है, याद रखना। जो कि यू आकार की घाटी, कौन सी यू आकार की घाटी, हिमनद निम्न भूमि का असमान धरातल बनता है, जो अब नमन बनाते हैं जिसे एक जल एकत्रित जिसमें जल एकत्रित हो सके। तो देख, चाहे यू आकार की घाटी हो, जो भी आकृति हैं स्थलाकृतियाँ हैं पृथ्वी की, ठीक है, हिमस गैर या सर्ग हो गया, या फिर हिमनद हो गया, जो सारी आकृतियाँ, आकृतियों का एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं लूंगा जिसमें आपको मैं सारी आकृतियाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रखना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। पहले नंबर पेपरदन में हिमनद हो गया, कि जो हिम के द्वारा स्थिति प्रकट करता है, जो आकृति पैदा करता है, ठीक है, चाहे यू आकार की हो चाहे सर्ग हो, ठीक है। जैसे आप उदाहरण देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, हिमालय, या मानसरोवर या राक्षस ताल की जो आपस की जो झीलें हैं वहाँ की, ये सारी हिमनद से ग्रेषित झीलें हैं, ठीक है, याद रखना। दूसरे नंबर पर आता है विलयन झीलें कौन सी होती हैं, कुछ सैलों के विलयन के रूप में, कौन से कुछ सैलों के विलयन के रूप में हट जाने से बने अवतल क्षेत्र में पानी के जमा हो जाने से छोटी झीलें बन जाती हैं, जिन्हें विलयन झीलें कहते हैं। जैसे पश्चिमी आयरलैंड में लगडर्ग, कौन सा लगडर्ग जो झील है पश्चिमी आयरलैंड की, वो कौन सी, सोलूशन लेक्स या फिर विलयन झील है। अगली आती है पवन के द्वारा निर्मित, मरुस्थल प्रदेश में पवन की अस्फीति क्रिया धरातल में विस्तृत अवतल बना देती है, जिसमें भौम जल के आ जाने से झीलें बन जाती हैं। इस प्रकार के अवतल नील नदी के पश्चिम में चूना पिस्तर पठार पर काफी संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार की झीलें याद रखना, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार की झीलें छिछले दशाव और कालाहारी मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया में पाई जाती हैं, इस प्रकार की जो झीलें हैं, ठीक है, याद रखना। तो 3 प्रकार की हो गई अपरदन झीलें, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, निक्षेपण झीलें कौन सी होती हैं, डिपोजिशनल लेक्स कौन सी होती हैं। बहता हुआ जल, पवन, हिमानी, सागरीय लहरें, भौमजल के निक्षेपण क्रिया के कारण जो झीलें अस्तित्व में आती हैं, उन्हें हम निक्षेपण झीलें कहते हैं, कौन सी कहते हैं,
निक्षेपण झीलें कहते हैं। जमाव द्वारा बने तालाब को अवरोध झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जल किसी प्राकृतिक बांध से रोका गया होता है। ठीक है, याद रखना कौन सा, जमाव द्वारा बने तालाब को क्या, अवरोध झील भी कहा जाता है। निक्षेपण झीलें कौन कौन सी होती है, पहले नंबर पर आती है कौन सी, मोरेनिक या फिर हिमोल्ड निक्षेपण झील। कौन सी, हिमोल्ड निक्षेपण झील। बिस्मांग कंकड़ पत्थरों के पदार्थ, सेल के कोणीय खंड, गोलाज्म, गुटिका या चीका मिट्टी सहित जो हिमानी अथवा हिमचादर द्वारा ले जाकर जमा किए जाते हैं, उनके जमाव हिमोल्ड निक्षेप कहलाते हैं। हिमनद निक्षेप से बनी एक विशेष झील को केटल गुर्तिका के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, केटल गुर्तिका के नाम से भी जाना जाता है हिमोल्ड निक्षेपण झील को। ठीक है, अगली देखते हैं, हिमबांध ग्लेशियर डैम्स। हिम प्लब जब पिघलने की अवस्था में होते हैं तो या तो नदी में अथवा झील में एक हिमबाधा उत्पन्न करते हैं। इस अवरोध के कारण बनी झीलों को हिम अवरोध झील कहा जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड की मार्जेलन झील। कौन सी, स्विट्जरलैंड की मार्जेलन झील। वनस्पति बांध झील, कौन सी वनस्पति बांध के जरिए धीमी गति से बहती सरिताओं के मुहाने पर अवरोध से वनस्पति बांध बन जाता है, जो छोटी निक्षेप झीलों के निर्माण में सहायता करता है। दक्षिणी नीदरलैंड और उत्तर पूर्वी बेल्जियम में क्रमशः गोरेन और वेनन झीलें इसी प्रकार की वनस्पति बांध से निर्मित झीलें। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, निक्षेपण झीलें हो गई। सेकंड नंबर पे आती है विवर्तनिक उत्पत्ति से बनी झीलें, कौन सी, लैक्स ऑफ टेक्टोनिक ऑर्गन, ऑर्गन से। तो विवर्तनिक उत्पत्ति से संबंधित झीलें, विवर्तनिक सिद्धांत आपने टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा होगा, पृथ्वी से संबंधित जो प्लूटो से संबंधित है, जो किसने दिया था, हैरी हैस ने दिया था। लेकिन हम जो झीलों से संबंधित पढ़ेंगे, जिसमें बलन और विरसन पहले नंबर पर, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। ठीक है, भूपटल पर बलन और विरसन जो क्रिया होती है के कारण खोखले जो भाग बनते हैं, इस प्रकार से बने खोखले में या तो नमक होता है अथवा स्वच्छ जल हो सकता है। पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील, टंगानिका और न्यासा, दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका और एशिया में अरल सागर और बैकाल और बॉलकस, ग्रेट सॉल्ट लेक इसके ही उदाहरण हैं सारे की सारे, विवर्तनिक उत्पत्ति से संबंधित झीलों से संबंधित। ठीक है, वलन और विरसन से संबंधित। ठीक है, याद रखना। रिफ्ट घाटी, सेकंड नंबर पे आता है रिफ्ट घाटी। दो अथवा अधिक समांतर नतीलम सर्पणभ्रंश स्टैक्सलिप फॉल्ट के बीच स्थित भूपटलीय सेलों के अवतलन द्वारा एक रेखीय दशाव अथवा द्रोणी रिफ्ट घाटी कहलाती है। जॉर्डन पूर्व अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें मृतक सागर, टंगानिका झील, न्यासा और अनेक छोटे झीलों की श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, रिफ्ट घाटी के अंतर्गत विवर्तनिक उत्पत्ति संबंधित झीलों के अंदर दो झीलें आ गई, तो फॉल्टिंग है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एंड सेकेंड रिफ्ट वैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्वालामुखी झीलें। चौथा प्रकार कौन सा, वॉल्केनिक लेक्स। कौन सी हैं, वॉल्केनिक लेक्स में ज्वालामुखी के शिखर पर अथवा इसके पार्श्वों पर नली के चारों ओर कीपाकार बेसिन को ज्वालामुखी बीवर कहा जाता है। जब किसी शांत अथवा सुषुप्त ज्वालामुखी को क्रेटर पानी से भर दिया जाता है तो उसे क्रेटर झील कहा जाता है। क्रेटर झीलें बहुआ गोलाकार होती हैं। सुमात्रा के दानाव झील क्रेटर झील का ही एक उदाहरण है। ठीक है, भूस्खलन से निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। अधिकांश झीलों की उत्पत्ति का कारण बहिर्जात और अंतर्जात बल होते हैं। कुछ नदियों के तल भूस्खलन और भूसंचलन के द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं और झीलें बनती हैं। ठीक है, याद रखना, जब भूस्खलन से निर्मित झीलों के अंतर्गत आ गई हैं, जैसे गंगा नदी के आर पार भारी भूस्खलन के कारण गौवाना झील निर्मित हुई है। चीन के गुआननगर के निकट डोंगहू झील इसका ही एक उदाहरण है। ठीक है, याद रखना। अगले आती है कृत्रिम झीलें या आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल जल विद्युत के उत्पादन के लिए, जल को काम में लाने के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, जल उपलब्ध कराने और नगरीय स्थानों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक झीलें या जलाशयों का निर्माण विश्व के सभी देशों में मानव द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, जैसे सतलज नदी पर गोविंद सागर हो गया, या फिर राजस्थान की जयसमंद हो गई, या फतेह सागर हो गई, या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित इंद्र सागर हो गया। ये सारी झीलों का आर्टिफिशियल तरीके से निर्माण किया गया है। जल की प्रकृति के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं। अगर प्रकृति की बात करें तो एक तो खारे पानी की होती है, और एक खारे पानी के बाद
ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील होती है। खारे पानी की झील की बात करें तो खारे पानी की झीलों में नमक और अन्य खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। जैसे कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, वॉन झील तुर्की की, और सांबर झील राजस्थान या भारत की, ठीक है याद रखना। मीठे पानी की झीलों में अगर बात करें तो इन झीलों में लवणता की मात्रा कम होती है या फिर होती ही नहीं है, जैसे कि सुपीरियर झील हो गई, बैकल झील हो गई, टिटिकाना झील हो गई या फिर बुलर झील हो गई, ठीक है। ये कृत्रिम झीलों के उदाहरण थे यहाँ पर, ठीक है। और जो जल की प्रकृति के आधार पर इनको हमने दो भागों में बांट दिया, मीठे पानी और खारे पानी की। वैसे अगर उत्पत्ति के आधार पर छह प्रकार की झीलें हमारी हो गई, ठीक है। अपरदन हो गई, भूस्खलन हो गई, कृत्रिम हो गई, प्लेट टेक्टोनिक हो गई, भूभ, ठीक है। ये सारी और ज्वालामुखी झीलें हो गई, विवर्तनिक झील हो गई, ये सारी सारी झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कुछ देखेंगे कि विश्व की कुछ झीलें, विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं कौन कौन से देश में, इनसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछने को हमको मिलता है। पहले नंबर पे आती है कैस्पियन सागर झील, कौन सी? पहले नंबर पे आती है कैस्पियन सागर झील, जो कि पूर्वी सोवियत संघ यानी रूस या फिर ईरान के बीच में। दूसरी आती है सुपीरियर झील, तो याद रखना यूएस और कनाडा के बीच में। तीसरे नंबर पे आती है विक्टोरिया झील, जो कि युगांडा, केनिया और तंजानिया के मध्य। अरब सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य। ह्यूरन झील यूएसए और कनाडा के बीच है। मिशिगन झील अमेरिका के मध्य। वैकल झील रूस में सबसे बड़ी गहरी झील है। ग्रेट बैरियर झील कनाडा में। इरी झील यूएसए और कनाडा में। ग्रेट स्लेप झील कनाडा में। विनिपेग झील कनाडा में। ऑन्टेरियो झील भी यूएसए और कनाडा ही में, ठीक है याद रखना दोनों जगह। लेडोगो झील रूस में। वॉल्कस झील कजाकिस्तान में। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू के बीच में, ठीक है याद रखना कहाँ पर, बोलीविया और पेरू के बीच में, जो दक्षिण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। आयरलैंड आयर झील ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चार्ड झील चार्ड नाइजीरिया और नाइजर देशों में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। यथावस्का झील कनाडा में। टॉरेंस झील ऑस्ट्रेलिया में। और मृतसागर झील जॉर्डन में, ठीक है। तो सारी सारी झीलों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस परीक्षा में इनमें से एक आ जाएगा देखा जाए तो। और जो इसके पहले का पार्ट हमने छह प्रकार की जो झीलों को बांटा है उससे डीपली क्वेश्चंस पूछेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, ठीक है। झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। पहले नंबर पे आता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है, ठीक है याद रखना। एरिया इसका कितना, 371,800 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील कौन सी है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे भी सुपीरियर झील है। और जो कैस्पियन सागर की झील है वो कैसी है, खारे पानी की झील है, ठीक है। सुपीरियर झील मीठे पानी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, वैकल झील है। यूएसए की सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन झील, एरी और ऑन्टेरियो झीलों का मान झीलों के अंतर्गत आती हैं। विश्व की सबसे अधिक लवणता झील तुर्की की वॉन झील है, इसकी लवणता 330% है याद रखना, कितनी। यूएसए की सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, एरी झील, ऑन्टेरियो झील कनाडा और यूएसए के बीच की झीलें हैं याद रखना। इनको महान या ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। एशिया के मृतसागर झील विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है, इसकी लवणता 240% है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील बोलीविया की टिटिकाका झील है याद रखना। अफ्रीका की विक्टोरिया झील के पास से नील नदी निकली है याद रखना, अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है वहाँ के पास से नील नदी निकली है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यूएसए की एरी झील के किनारे डेट्रॉइट नगर स्थित है, जो कि ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है याद रखना। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील बुलर झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लेडोगा झील है, कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी झील, लेडोगा झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी, आयर झील है। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, ठीक है याद रखना। सुपीरियर झील विश्व की दूसरे नंबर की बड़ी झील है और मीठे और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर ही झील है, ठीक है याद रखना। सुपीरियर हो गया आपका, ठीक है, या तो फिर मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ऑन्टेरियो जी सब कनाडा और यूएसए के बीच में स्थित है, जिनको महान झील या ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील है, उसकी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील है। तो फ्रेंड ये थे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। और अगला आता है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की। दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका झील है, उत्तर अमेरिका की सुपीरियर है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी कैस्पियन है, जो कि विश्व की भी सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी आयर झील है, कौन सी, आयर झील। यूरोप की सबसे बड़ी झील लेडोगा झील है। जब पूरे की पूरे महाद्वीपों के पूरे की पूरे महाद्वीपों की झीलों को याद कर लेना जब, ठीक है याद रखना। जो छह की छह महाद्वीप की है, अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं है, तो ये छह महाद्वीप हमारे टोटल कवर हो जाएंगे इससे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको टॉपिक पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक और शेयर जरूर करें। हमको फेसबुक पे भी आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम जो पेजेस वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे जिससे आपको आसानी हो याद करने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक के लिए बाय।